जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। आनंद पच्छी साहब की ये पंक्तियां सिर्फ राजेश खन्ना को ही नहीं जचता, फिल्म जगत में ढेर सारे कलाकार हैं जिनकी जगह आज तक कोई ले नहीं पाया है। पर कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने छोटी भूमिकाओं में भी लोगों के दिल जीते थे। मुश्किल तब होती है जब ऐसे कलाकार की पहचान उनके चेहरे तक सीमित रह जाती है। ऐसे ही एक उम्दा कलाकार थे राजन हक्सर। इनकी तस्वीर देखकर आपको बहुत सारी फिल्में याद आई होंगी, पर इनका नाम अब सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रुषिता। यादों के सफर में इस सीरीज में हम याद करते हैं उन लोगों को जिनके नाम एक जमाना हुआ करता था। राजन हक्सर ने किन फिल्मों में काम किया होगा, ये सवाल पूछने के बजाय ये कहिए कि कौन सी फिल्में इन्होंने नहीं की थी। जी हाँ, 70 और 80 का जमाना इनके लिए बहुत बड़ा था। शम्मी कपूर और सायरा बानू की जंगली फिल्म राजन हक्सर की कामयाब फिल्मों में से एक है। इन फिल्मों में वे खलनायक के किरदार में थे, पर आगे चलकर वे हर प्रकार की भूमिका करने लगे, इसलिए वे कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में उभरने लगे। राजन हक्सर ऐसे कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़े से लेकर छोटे किरदार आजमा के देखे, शायद इसलिए वे दर्शकों के बीच बहुत प्रसिद्ध रहे। अगर इनके शुरुआती जीवन पर चर्चा की जाए तो ये बताना सही समझेगा कि प्रसिद्ध एक्टर चंद्रमोहन इनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने ही राजन हक्सर को फिल्मी लाइन से रूबरू कराया था। राजन हक्सर कश्मीरी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे। आजादी के बाद उनका मुंबई आना हुआ और चंद्रमोहन के कारण ही उन्होंने पूरी जिंदगी मुंबई में गुजारी। आजादी के साल में आई फिल्म दो भाई से अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत करते हुए राजन 90 के दशक तक फिल्मों में दिखे। 1997 में आई आखिरी संघर्ष इनकी अंतिम फिल्म थी। फिर भी बंजारन और हीर रांझा में राजन छोटे मोटे रोल में नजर आए। राजन हक्सर ने अपने जीवन के 50 साल फिल्म जगत को दिए। कुछ फिल्मों में वह सह निर्माता भी थे। फिल्म जगत की महान अभिनेत्री मनोरमा से इन्होंने शादी की। मनोरमा के साथ भी इन्होंने बहुत सारा काम किया था। 20 साल साथ गुजरने के बाद वे दोनों अलग हो गए। 80 के दशक में अलग होने के बाद राजन हक्सर का जीवन ढलान पर आया और देखते देखते ब्रेन कैंसर का शिकार हो गया। इस ब्रेन कैंसर ने उनकी जिंदगी खराब कर दी। 19 के दशक की शुरुआत होते ही राजन हक्सर का चेहरा फिल्म जगत से दूर जाने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि आखिरी दिनों में उन्हें कोई पहचानता भी नहीं था। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वे अपना इलाज कर रहे थे। जीवन के आखिरी समय में सिर्फ सुनील दत्त साहब उन्हें मिलने गए और कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया। राजन हक्सर जैसे अनगिनत कलाकार रहे हैं जिनका यही अंजाम देखने को मिलता है।